तो गाइस गुड मॉर्निंग। और ये आपने बेबी का नाम तो देख ही लिया होगा। सो यशमी जी कुछ इस तरीके से करवा के लाए हैं, जिसको अभी हम कट करेंगे और फिर ये एक अच्छा सा नाम बन जाएगा। जैसे हमने विशु का बनाया था और रात में आपने देखा ना, बेबी बिल्कुल भी नहीं सोता है। 4 बजे सोया क्यों यशमी जी? अच्छा, अपने कंधे पे लेके उसे सुलाए पड़े सुलाए पड़े, बट वो सोया मेरे पास ही है। ठीक है, उसको रिलैक्स आपके पास मिलता है पर निन्नी मेरे पास आती है। सो दिखाना बाबू ऐसे ई करके ई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, आज मेरे बेबी के नामकरण की फर्स्ट तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब ऐसे तो बहुत सारी हो चुकी है, तो दिखाते हैं क्या क्या तैयारी कर रहे हैं हम लोग। देने के हिसाब से विशु नहीं, हाँ उनको दीदी को देना है घर पे जो आती है। भाऊ कपड़े तो देने ही है, मैं उनको खींच के ले जा रही हूँ, जो उनको पसंद आएगा वो दे दूंगी लेके। गाइस, हम आए हैं यहाँ पे अपने बेबी का फर्स्ट फोटो बनाने के लिए। तो यहाँ पे सारा का सारा वुडन का काम होता है, सारी की सारी वुडन की फोटोज बनती हैं। तो ये हैं इसके कुछ सैंपल्स। हम आपके लिए फ्रेम बनवाने आए हैं, और सबसे ज्यादा मेहनत पता है कौन कर रहे हैं? आपके दादा और आपकी मम्मी डिसाइड कर रही है, कह रही है कि कुछ यूनिक सा करो, कुछ यूनिक सा। अभी जो आप क्या बोल रहे हो भाई के लिए? मुझे गाड़ी नहीं, के लिए बोलो बोलो कुछ। मुझे गाड़ी चाहिए। ईशु आपके भाई को गाड़ी चाहिए, हर जगह गाड़ी चाहिए होती है उनको। विशु का तो गाड़ी गाड़ी चाहिए। सो गाइस, ये व्लॉग ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेबी की फोटोज वगैरह ही देखने को मिली, मतलब मेरे बेबी की नहीं, बनाने के लिए। और अभी हमें जाना है और कुछ काम वाला काम भी कर लेते हैं। नामकरण की प्रिपरेशन एड हो चुकी, मतलब तैयारी शुरू हो चुकी है। और रश्मि जी कह रहे हैं गोलगप्पे बंद होने वाले हैं क्योंकि शाम के 7:30 हो चुके हैं। सो गोलगप्पे खाने आ गए हैं और गोलगप्पे वाले भैया बिजी हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा है और हम वेटिंग पे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, गोलगप्पे खाने के बाद अगर पानी नहीं मांगा ना तो समझो गोलगप्पे बेकार हैं, खाना मेरे लिए। हाँ, हमने अपने बेबी का नाम तो डिसाइड कर लिया है, पर लिखने में थोड़ा सा हृदयांश डिफिकल्ट हो रहा है। और मैंने तो लिख के दिखा दिया है कि कैसा है। यहाँ पे अभी हमारी भाभी लिख के दिखाएंगी। और कढ़ी बन रही है, घी हो रहा है साथ साथ में। तो अब आ गई हमारी भाभी की बारी। हम ऐसी ना रात में ऐसी कॉमेडी करते रहते हैं और बहुत मजा आता है। तो ये हो गई हमारी भाभी स्टार्ट। ये हाँ हाँ कोई बात नहीं, करो करो, मेरा भी सड़ा हुआ सही है। अब दूसरा, तीन बार तीन, आपको तीन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, पता है आपको? इनको तो पता ही है, ये हमारे अमिताभ बच्चन है। हाँ, आपको इसी खुशी में दिए जाते हैं 50 करोड़। और ये पकौड़ी ना पहले ही खा लेते हैं, चलो हो जाएगा तो दिखाएंगे आपको। देख रहे हो ये क्या कॉम्बिनेशन है, कड़ी के साथ घी। सो हमारे अश्मित जी को बिना घी की कड़ी पसंद नहीं है, और आज हमारे घर में खाने वाला घी खत्म हो गया है।
तो अभी देखते हैं भाभी जीती हैं या मैं जीती हूँ। कौन जीता है अश्विन जी? कुछ ये तो कुछ और भेज दिया है। निकालना आपने वो दामे निकाला है। दामे तो सही कौन सा है ये बताओ। ये तो हृदय के नीचे नहीं लगता, हृदय यहाँ हृदय में। तो कौन सा भाभी का? ये वाला सही है। ये वाला जो ये जो है ना दामे जो आपने बनाया है, ये हाँ के नीचे दाव बन गया है। मेरा भी दिखाओ, मेरा गला मेरा तो भाई वो नाम दिख। ये वाला हाँ निकलेगा ना तो इसमें सिर्फ ये रा निकलेगा, यहाँ से सिर्फ ये रा। मुझे तक भैया वो दिखाना दिया। हाँ तो ये तो लगाया था मैंने भी। सो गाइस, मेरे हर टॉपिक पे मेरे बड़े बेटे का नाम तो आता ही है, तो मैंने ऊपर व्यांश लिखा है, नीचे हृदय। इन्होंने व्यांश भी गलत ही लिखा है, ठीक है ना? मतलब इतनी खड़ी बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी है। चलो ठीक है, बच्चे को दूध पिलाते पिलाते लिखा है मैंने, ठीक है? ये कोई बात नहीं होती है। तो जो बात होती है लिख तो दिया ना। अच्छा, सो इशू के नामकरण की थोड़ी सी तैयारी, ये भी है डीमार्ट की शॉपिंग। सो ये फ्रूट की शॉपिंग भी हो गई है। इसी बीच में हमने अपनी सासू मम्मी के फेवरेट अमरूद भी ले लिए हैं। बारी आती है पूजा की सामग्री की, सो पूजा का सामान लेते हैं यहाँ से, अग्रवाल के यहाँ से। तो यहाँ से अश्विन जी ने डिस्पोजर ग्लास एंड और कुछ कुछ भी ले लिया है। गत्ते वाले बॉक्स से अच्छे तो ये प्लास्टिक वाला है ना। सो वेजिटेबल्स भी लेना बनता है ना खाने के लिए। सो या ऑलमोस्ट सारे काम डन, और जहाँ से कहानी स्टार्ट करी थी वहीं पे अभी खत्म करनी है। पीछू हटो, पापा दिखाई नहीं दे रहा कितना काम कर रहे हैं। हाँ आय पीछू हटो, पापा देखो कितना काम कर रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं फौजी बनके बिल्कुल। अपने बेटे के नामकरण की तैयारी करते हुए और ये अमरूद खाते हुए अश्मित जी, ओ पापा जी कैसा लग रहा है? नींद आ रही है। क्या खा रहे हो आप, दिखाओ तो बाबू। गुजरात का अमरूद लगा। सो आप सारा सामान ले आए हो? नहीं लाए, आधा बचा है ना, थोड़ा थोड़ा बचा है। सो यहाँ पे हमारी भाभी जान सजा रही है झूले को। यहाँ पे मम्मी का सब्जी, और यहाँ पे हो रही है अश्विन जी की कटिंग, मतलब अश्विन जी की कटिंग नहीं, मतलब पेपर की कटिंग। ये शोईशु, आपके पापा ने आपका नाम भी रेडी कर दिया अपने हाथों से। बाबू कौन से हाथों से दिखाओ, हाथ हाथ दिखाओ ऐसे। ये वाले हाथ नहीं होते हैं, ये स्टाइल है आपका, हाथ दिखाओ ऐसे। यहाँ पे कार कम हो जाएगा। सो ये हो गया शॉर्ट नेम। बाबू बेबी पता क्या बोलेगा, कहेगा पापा आपने मेरा कितना बड़ा नाम बना दिया। अच्छा शॉर्ट नेम भी बना दिया आपने, हैरी है। तो अभी तैयारी होती है इसको कलर करने की। डेकोरेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और रात के बज चुके हैं ये,
सो मैं इतनी रात को क्या कर रही हूँ, मैं इतनी रात को कर रही हूँ ये जो कपड़े हैं, ये जो मेरी हाउस हेल्पर हैं ये उनके लिए हैं, इनके अंदर रुपए रख दिए हैं मैंने। सो आप देखोगे ये साड़ी है और ये सूट है, ये भी सूट है और ये वो है जो कचरा लेके जाते हैं ना उनके लिए है। देन उसके बाद ये है पंडित जी के लिए धोती एंड कुर्ता और ये जो कंधे पे रखते हैं वो। सो ये पट्टा भी है उनका। सो ये सारे के सारे कपड़े हैं देने वाले। तो अभी इनको पॉलिथीन में जैसे था वैसे ही पैक कर देते हैं। और आप सोचोगे कि पंडित जी के लिए रुपए वो हाथ के हाथ ही हो जाएगा, जब पंडित जी जाएंगे है ना तो उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही करना बनता है। सो पंडित जी का उसी टाइम ही करेंगे अश्मित जी, बट ये मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। और अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी से उठना है। हालत क्या हो गई है ना, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे सुबह से कुछ नहीं खाया है। देख लोगे तो